गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ ज्वेलरी हॉल। सो मैंने रिसेंटली कुछ झुमकीज इयररिंग्स बाय करी थी, सो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मैंने इस बास्केट में रखी है, सो ये सारी बबल रैप होकर आई थी और कोई भी बॉक्स में नहीं आई थी। सो मैंने इसकी बबल रैपिंग ऑब्वियसली डिस्कार्ड कर दी है और सारी इयररिंग्स इस तरह से रखी है। सो चलिए फर्स्ट इयररिंग के बारे में बात करते हैं, जो इन सब में से मेरी फेवरेट है। तो ये कुछ इस तरह से दिखती हैं, ये स्टड इयररिंग्स है, बट दिस इज यूनिक बिकॉज मेरे पास कोई इस तरह के स्टड्स नहीं थे जो मीनाकारी वर्क के साथ होते हैं। सो ये सारी ज्वेलरी आई थिंक एक ही ब्रांड से है, बाय ज्वेल मेज। ज्वेलरी के प्राइजेस और लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो। सो फर्स्ट पीस इज माई फेवरेट, लाइक आई टोल्ड यू, सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। सो ये इस तरह के स्टड्स है, आप देख सकते हो इसमें मीनाकारी वर्क हो रखा है। उसके साथ साथ आपको इसमें कुंदन डिजाइन भी मिल जाता है, व्हाइट कलर की लाइक ये फ्लावर डिटेलिंग है। उसके साथ जो ये कलर एग्जैक्टली दिस इज मरूनिश कलर एंड दिस इज डीप मरूनिश कलर। इसमें आई थिंक ये रेडिश दिख रहा है बट इट्स डीप मरून। ये काफी अच्छी लगती है अगर आप लाइक सूट्स के साथ पहन रहे हो, साड़ीज के साथ पहन रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरे पास स्टड्स तो हैं बट मेरे पास कुछ मीनाकारी वर्क में नहीं था और मुझे मीनाकारी की लाइक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। सो इस तरह से आपको बैक साइड इसकी इस तरह से स्टड वाली मिल जाती है। इसमें आपको बैक में लगाने के लिए लाइक वो प्लास्टिक वाले स्टड्स मिल जाते हैं जो इजीली इसकी ग्रिपिंग बनाते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया है। लाइक इन सब ज्वेलरी में से आपको मैं ये जरूर लेना रिकमेंड करूंगी। दीज आर वेरी लाइट वेट और काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। आप देख सकते हो काम कितना ज्यादा सुंदर हो रखा है और कितना क्लीन काम है। झुमकीज की बात करने वाली हूं मैं, ये इस तरह की झुमकीज है। सो ये सिल्वर जंक ज्वेलरी आप कह सकते हो बट इसमें आप देख सकते हो इस तरह का काम हो रखा है विच लुक सो प्रिटी। दीख से देखने में कुछ इस तरह की दिखती है। सो इसमें काफी अच्छे नग लगे हैं जिसकी वजह से ये शाइन करता है और बहुत प्रिटी लगता है। आप देख सकते हो नीचे इसके इस तरह की लटकन दे रखी है। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लाइक जंक ज्वेलरीज की जो लाइक क्वालिटी होती है मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्ट करती है। आप देख सकते हैं इयररिंग्स कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत ही प्रिटी इयररिंग्स है। जो मैंने आपको पहले स्टड्स दिखाए उनसे थोड़ी हैवी है बट इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आप बैक से देख सकते हो काफी ज्यादा क्लीन है। जो इसमें नीचे कुंदन का काम हो रखा है ये रेड विद ग्रीन काफी सारे आउटफिट्स के साथ मैच हो जाएगा क्योंकि ये इस तरह के कलर्स होती हैं जो बहुत सारे कलर्स के साथ मैच हो जाते हैं इजीली। सो मुझे ये इयररिंग्स भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगी है। लाइक डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था सो इसलिए मैंने ये खरीदी। सो नेक्स्ट ज्वेलरी पीस की बात कर ली जाए तो ये भी जंक ज्वेलरी है। सो ये छोटे छोटे से झुमकी स्टड्स आप कह सकते हो और ये मुझे बहुत प्रिटी लगे थे। वैसे मेरे पास जंक ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो इस तरह से लाइक बहुत छोटा हो और इजीली मैं डेली वेयर में कैरी कर सकूं और ज्यादा हैवी भी ना हो। सो आप देख सकते हो डिजाइनिंग इसकी बहुत ज्यादा प्रिटी है, काफी ज्यादा लाइट वेट है, छोटी है और डेली वेयर में बहुत अच्छे से जाएगी। अगर आप कुछ ऑफिस वेयर के लिए ढूंढ रहे हो लाइक एथनिक वेयर में सो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो क्वालिटी कितनी अच्छी है, मैं आपको इसको पहन के भी दिखा दूंगी। सो बैक साइड से आपको इस तरह के स्टड मिल जाते हैं इसमें, ये प्लास्टिक वाले जिनकी ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है। ज्वेलरी पीस की बात कर ली जाए तो ये इस तरह की झुमकीज है विच आर रियली लाइक थोड़ी सी बड़ी है साइज में, मेरे टेस्ट के हिसाब से काफी बड़ी है बट आई रियली लव देम बिकॉज मुझे ऑनलाइन काफी ज्यादा पसंद आ रही थी ये। इसकी क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। लाइक इस तरह की जो झुमकीज होती है इसके स्टड्स निकले हुए आते हैं कई बार ऑनलाइन जब भी आप झुमकीज लेते हो, बट कैन यू सी दैट एक भी स्टड इसका नहीं मिसिंग है। इसमें आप देख सकते हो नीचे से ये पर्ल्स लगे हैं विच लुक सो प्रिटी। इस तरह की गोल्डन इयररिंग्स आप
किसी भी चीज के साथ स्टाइल कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने ये सूट पहना है, ये इसके साथ भी बहुत अच्छी लगेंगी। आप साड़ी इसके साथ पहन सकते हो, अपनी लहंगे के साथ पहन सकते हो इवन। इतनी क्वालिटी कितनी अच्छी है इसकी, इट्स सो लाइट वेट। ये देखने में जरूर बड़े हैं बट आई थिंक जितने भी मैंने आपको अभी तक स्टड्स दिखाए, इयररिंग्स दिखाए, उन सबसे ज्यादा लाइट वेट है ये। इट्स सो प्रिटी, आप देख सकते हो कितनी शाइनी इयररिंग्स है और बैक साइड भी इसकी काफी ज्यादा क्लीन है। इस तरह के आपको इसमें स्टड्स मिल जाते हैं। भी क्लोथ्स होंगे बीच पिंक, रेड, येलो, व्हाइट, ये सब चीजों के साथ चले जाएंगे एंड दे आर क्वाइट लाइट वेट। सारी चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इनका ट्राई ऑन भी मिल जाएगा। इयररिंग्स की बात कर लें हम, तो ये भी गोल्डन इन कलर है बट विद द हिंट ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज। सो मेरे पास कुछ इस तरह का नहीं था और ये मैट फिनिश में है, सो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और काफी ज्यादा डिफरेंट लगा, इसीलिए मैंने ये झुमकीज ली। सो आप देख सकते हो इसमें आपको पर्ल डिटेलिंग मिल जाती है, उसके साथ आपको कुंदन मिल जाता है और आप देख सकते हो इसमें ज्यादा शाइन नहीं है क्योंकि इसका मेन मोटो यही है कि ये मैट इयररिंग्स है। सो लाइक मेरे पास कोई भी इस तरह की इयररिंग्स नहीं थी जो मैट है, सो दैट्स वाई आई गॉट दिस। यू कैन सी द क्वालिटी इज सो अमेजिंग। आप बैक से देख सकते हो कितने ज्यादा क्लीन है, क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। ज्यादा लाइट वेट है, बड़ी जरूर है बट बहुत लाइट वेट है। आप देख सकते हो कितनी प्रिटी लग रही है। सो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो लाइक लाइट वेट हो उसके साथ साथ कुछ कलरफुल हो तो डेफिनेटली आप इन्हें खरीद सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इट्स समथिंग डिफरेंट। लाइक हमारे पास सबके पास इस तरह की ज्वेलरी होती है जो शाइनी होती है बट इसकी फिनिशिंग इज मैट विच लुक्स सो प्रिटी। पीस की बात कर ली जाए, अगेन दीज आर इन मैट फिनिशिंग। सो मैंने तभी ये दोनों ज्वेलरीज लास्ट के लिए रखी थी सो दैट आई विल शो यू। इन दोनों का सेम यही है, ये मैट फिनिश में है एंड दीज आर ग्रे इन कलर। कैन यू सी दैट, दीज आर सो प्रिटी। लाइक अभी से पहले जो मैंने ये सारी इयररिंग्स दिखाई उनकी क्वालिटी अमेजिंग थी। मुझे थोड़े से इसमें क्वालिटी का इशू लगा, लाइक मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है बट दे आर प्रिटी। लाइक आप देख सकते थोड़ी सी फिनिशिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही, नहीं थी एग्जैक्ट ग्रे में विद गोल्डन, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दीज वन। सो इनकी क्वालिटी और वाली इयररिंग्स से थोड़ी सी कम है बट मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये भी काफी लाइट वेट है, इसमें भी आपको बैक से स्टड मिल जाता है इयररिंग्स लगाने के लिए और ये काफी ज्यादा शाइन करती है बिकॉज बाकी चीजें मैट है तो ये इस तरह के स्टड्स काफी ज्यादा शाइन होते हैं इसमें। इयररिंग्स अपने सूट्स पे पहन सकते हो, अपनी साड़ीज पे पहन सकते हो, बहुत ज्यादा प्रिटी लगने वाली है। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई है बट इनकी क्वालिटी लाइक मैं वही बोल रही हूँ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है बट आई रियली लव। या गाइस दैट्स अबाउट दिस ज्वेलरी हॉल। आई होप आपको मेरी इयररिंग कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो मैं माय हॉल स्टोर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ले सकते हो। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।